मैं देख रहा हूँ जरा अशोक जी और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, तुम महिलाओं को इधर जगह ही नहीं देते, या तो उधर देते या तो इधर देते। मैं देखा हूँ एक ही मीटिंग में नहीं, मैं 6 मीटिंग में देख रहा हूँ, या उधर बिठाते या इधर बिठाते, बीच में मर्दों को बिठाते, पुरुषों को बिठाते। महिलाएं सभा में बैठेंगी भी कैसे खड़गे साहब, जब आपके यहाँ महिलाओं को ये संज्ञा दी जाती है? थोड़ी बात, थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। जब आपके मुख्यमंत्री भरे मंच पर महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, जब आपकी महिला प्रवक्ता आपके नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लगाती है, जब आपके ही शीर्षतम नेता सदन की गरिमा गिराते हुए एक महिला सांसद को अभद्र इशारे करते हैं, जब बलात्कार पर आपके नेता मर्दानगी की ओछी दलील देते हैं, मामले में हम नंबर एक पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है, वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक, कांग्रेस के दामन पर इतने दाग हैं जिसे कोई वॉशिंग पाउडर भी धो नहीं सकता। ऐसे में खड़गे जी, कोई भी महिला आपके साथ मंच साझा क्यों करेगी? आपके सारे जवाब आपकी ही पार्टी दे रही है।